नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, 9 बजने वाले, 5 मिनट रह रही बस, और सब नहा धो लिए। सब कहाँ? ये रह रही दोनों, तीनों छोटी छोटी, गुड्डू यशू पयू, ये रह रही नहाए बिना, और सब नहा लिए, और आंसू लग रही रसोई में, आंसू बना रही ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में वही क्या क्या बना दिया? अच्छा, आज सब्जी बना दी भिंडी की। हाँ, आ जाओ जी, आप भी कर लो ब्रेकफास्ट। चाय भी है, दही भी है, सब्जी भी है, रोटी भी है। बढ़िया। और ये रह रही दोनों की दोनों, नाए बिना और गुड्डू रह रही। मोटर बंद कर दो। और माता जी खाना खा रही, माता जी खाना खा रही और दूसरी माता जी पूजा कर रही। वे सुबह पूजा पाठ कर गई खावे, और इन्होंने कर ली थी, फिर ऊपर जल भी चढ़ाया है। गुड्डू तो ये बना लेती रोटी आज, अच्छे से। और जब सिक्के की जब बीतावागी बहुत टाइम का देखो साज लोग का, बड़े होने में और कते कसर है मारते है। अपनी मम्मी जितनी तो हो रही तू और चल मेरे भी लगा दे खाना है। लाओ। तो नाश्ते का काम मेरा हो गया है सारा, सबने कर लिया, मैंने भी कर लिया था। उसके बाद किचन की क्लीनिंग वगैरह कर दी है और अब मैं आई हूँ छत पे कपड़े फैलाने के लिए। और जब मैंने किचन में नाश्ता बनाया था तभी मैंने मशीन लगा दी थी, क्योंकि कल भी कपड़े नहीं धुले थे, दो दिन से कंटिन्यू बारिश चल रही थी। तो सुबह तो हल्की मतलब धूप अच्छी हो रही थी, लेकिन अब फिर बादल सा ही हो गया, तो मैंने धो दिए। है तो था वीरवार आज, लेकिन फिर भी मैं कहा बहुत सारे कपड़े हो रहे, दो दिन से धुले नहीं थे, और काफ़ी सदस्य हैं तो कपड़े भी ज़्यादा ही हो जाते हैं, और बरसात के मौसम में तो आपको पता ही कितना स्मेल सी आने लगती है। और मैं शाम के टाइम ही धो रही थी तो मम्मी ने ना कर दी कि नहीं बारिश हो रही अब मत धो, अगर मैं शाम के टाइम धो देती तो शायद अब तक सूख भी जाते, सुबह धूप अच्छी हो रही थी इस वजह से। और चलो खैर जी, जैसा भी टाइम हुआ फिर मैंने नाश्ता बना के अपने कपड़ों का काम निपटा दिया और अब आ गई हूँ मैं फैलाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, कपड़े मैंने फैला दिए और आज तो मुझे लेट हो गया बहुत, 12:30 बज गए कपड़े धोने में ही, तो मौसम भी खराब हो गया बीच में, बस ऐसे ही हो गया। तो अब मैं चलती हूँ नीचे और अब मैं बनाऊंगी खाना दोपहर का, देखती हूँ अभी तो क्या बनाना। और मम्मी उधर चली गई, जो गुड्डू की माँ जी है वे उधर गई है, काफ़ी देर की चली गई थी मैं तो 11 बजे से। मेरी मम्मी है यहीं पर ही मेरी, वे गुड्डू के साथ लग रही बातों में क्या मैं, और बस अब मैं खाना बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स दोपहर के 1:30 हो गए और मैं ना आज बहुत ज्यादा बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि आज मैं कुछ काम करती हूँ। तो काम मेरे को लगा मैं क्या बनाऊंगी, मुझे ज्यादा कुकिंग वगैरह का शौक भी नहीं है ना आता, तो मैंने सोचा आज मैं बनाना शेक बनाती हूँ सबके लिए, अभी सबको भूख भी लग रही है मतलब। फिर ना मैंने वापस से बनाना मंगवाए थे नहीं, और मैं आपके साथ आज रेसिपी शेयर करूंगी। मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ बनाना शेक, और पापा भी अभी देखो वेट कर रहे हैं कि कब बनाऊंगी मैं। हाँ, मैं अभी अभी इसके लिए ये केले लेकर आया है, बनाना शेक बता रहे हैं तो केले का जूस कहते हैं, तो ये बनाने की कोशिश कर रही। बीच बीच में अगर इस तरह कुछ भूल चूक होगी तो मैं बता दो, अन्य बना ही रही। चल बना ले रहा हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ आपको। और यहाँ गुड्डू बनाने लगी है बनाना शेक। सबसे पहले इनने 5 केले लिए हैं, 5-6 गिलास बनाएगी सबके लिए ही, जितने भी हैं इसके चाचू और भी ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो यहाँ उसने बनाना लिए हैं 5 और उनको छील लिया और पीसेस करके उसने डाल लिए हैं जार में, जो जूसर जार है हमारा उसमें डाल लेगी काट के।
बनाना डालने के बाद अब डाल रही है वो इसके अंदर दूध और मलाई। इसी में यारी इसके पापा इसकी हेल्प करा रहे। मैं तो शायद वीडियो वगैरह एडिट कर रही थी या कुछ काम कर रही थी अपना, तो यहाँ में ही लगे हुए हैं। तो दूध डाल लिया इसने इसमें, और फिर डाल ली है इसमें चीनी। थोड़े सा टेस्ट सा बन जाएगा। चीनी तो अगर आप ज़्यादा मीठा पीते हैं खाते हैं तो डाल लो, अगर आप मीठा कम खाते हैं तो चीनी डालने की इसमें ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए डाल लिया है, सबके हिसाब से ही बना लिया, सारा मटेरियल तैयार कर लिया। और अब बस उसको फेंट देगी, मतलब मिक्सी में चला देगी, तो ये हमारा जो बनाना शेक है बनके तैयार हो जाएगा। और इसको कई दिन से लग रहा था, कल भी कह रही थी कि मम्मा मुझे बनाना है। जब किसी चीज़ की लगती है ना गुड्डू को बनाने की, तो उसको जब तक नहीं बनाती तो परेशान रहती है। और यहाँ देखिए कितना टेस्टी बन गया है। और यहाँ पे ये देखिए थोड़ी सी गार्निशिंग कर देगी। कुछ भी चीज़ हो अगर जितना अच्छा वो देखने में लगेगा, टेस्ट भी और उसका डबल हो जाता है। और यहाँ देखिए इसका सर्व करने का थोड़ा अलग है। यहाँ पे साइड साइड में उसने ग्लास के ऊपर जो है रोबजा वो डाल दिया। आपके पास अगर जेली वगैरह है, फ्रूट जेली या चॉकलेट सिरप वगैरह, वो भी आप डाल सकते हैं, जिस भी फ्लेवर में खाना चाहते हैं, अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए वो थोड़ा सा डेकोरेट कर लिया है गिलासों को, और एक गिलास उसने रख लिया, उसमें डालेगी वो चॉकलेट सिरप, क्योंकि वो चॉकलेट का पीती है, उसे चॉकलेट सिरप पसंद है। मतलब बच्चों को होता ही है चॉकलेट फ्लेवर। बाकी सबके लिए उसने रोबजा बना दिया, रोबजे वाला फ्लेवर डाल दिया। और बस जो शेक बना के तैयार किया है वो सर्व कर दिया है, ग्लास में डाल दिया, और ऊपर से वो कर देगी गार्निशिंग। तो गार्निशिंग के लिए उसने पहले ही कूट लिए हैं किशमिश और बादाम और काजू, यही थे तो ये कूट के इसने रख लिए थे, और इनसे इनको गार्निश कर देगी। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा, मतलब एक अलग ही लुक सा आ रहा ये थोड़ा। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने जूस बना दिया, मतलब मैंने तो अच्छा बनाया है। फिर बाकी देखते हैं किसी को कैसा लगेगा, सबको आप भी बताओ कमेंट करके कैसा लग रहा है। और आप भी ये ट्राई करना जरूर, जो छोटे बच्चे होंगे ना वो भी, तो मैं सबको दे देती हूँ अभी। बनाना शेक एक लाल सा ही किया है ना, ये मेरा है चॉकलेट वाला, आपका दूसरे वाला। आप भी ले लो, पहले कान्हा जी को दे देती हूँ। आप भी ले लो। थैंक यू वेरी मच। लिया आपने, कैसा लगा? अच्छा, और आपको? बहुत बढ़िया, रोज बढ़ा कर। अच्छा ठीक है, मेरी मेहनत सफल होगी, मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था आज। नहीं, अच्छा बना हुआ। अच्छा। जैसा मैंने सिखाया हुआ ना, तो ऐसा ही बना रहा। अच्छा, और बादाम बुदाम जो रख रखे है ना मन में, रोज गए ठीक है। तो आप सब भी अपना रिव्यू दे दो। अरे बर्फ मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि चाचू को फीवर हो रखा है और नानी जी का भी गला खराब है ना, इसलिए। हाँ आपका भी ठंडे का एलर्जी है। हाँ, और नानी जी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा चलो, यहाँ पे भी मेरी मेहनत सफल होते हुए। यार करती थी कुछ भी, कहते रहे नहीं तो जब करा बेटा, जब ही तो आ गया करना, कर कोशिश करेंगे। तो आज तो बिना बादल के बरसात होगी। बिना कहे कर ली। तो जी मैंगो सॉरी वो बनाना शेक तो पी लिया है, लेकिन ये देखिए ऐसे ही फैला के गिर दिया। ये देखो सारे बर्तन बुर्तन ये पड़े, तो मैं इसे संगवाऊंगी। पीना तो पीने को तो मिल गया, लेकिन काम तो करना ही करना है। तो यहाँ से सारी रसोई गुड्डू ने फैला दी, वो तो अपना फिर से काम करने लगी स्कूल का। वो कह रही मम्मा मुझे ट्यूशन जल्दी जाना, तो मैं ये अपना काम करती हूँ। तो वो तो लग गई, मैं कहा चलो भाई ट्यूशन जाओ या कुछ करो, मुझे तो करना ही है। तो मैं अपना किचन की क्लीनिंग कर देती हूँ। और आज देखिए ये सुबह ये जो कपड़े धोए थे ना किचन के, उनमें ये याद नहीं रही मेरे फैलाने। सबसे पहले तो ये फैला का ऊपर, क्योंकि ये ड्रायर भी नहीं करने याद रहे मेरे, और इन्हें पहले ड्रायर ही कर दूँ, जिससे ये सूख के अच्छे से जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि मौसम ऐसा ही हो रहा, मौसम का कोई भरोसा नहीं।
कब बारिश आ जाए। बादल हो रहा ना बार बार, धूप भी आ रही बादल भी हो रहा। तो ये मैंने इसमें डाल दी है, मशीन लगी हुई थी अभी तक बोर्ड नहीं हटाया था। और मेरे पास आ गई थी मेरी एक फ्रेंड, तो मैं उनके साथ बैठ गई एक डेढ़ घंटा वहाँ निकल गया, इसलिए लेट होगी। मशीन भी मेरी धुली नहीं, बीच में ही रह गई, तो मैं फिर वीडियो करने लगी। इसी तरीके से टाइम सा निकल जाता है, कई बार जैसे कोई आ जाए देखो बैठा भी जाता है। तो फिर इस वजह से मेरा अभी काम ऐसे ही पड़ा, लगभग 2 बज गए। दोपहर का खाना भी नहीं बनाया मैंने। अब बस मैं अपनी किचन समेट देती हूँ फटाफट से। आंटी बर्तन बुर्तन करके गई थी, तो ये देख ये अभी लगाने आ रही। इन कीड़ियों ने तो दुखी कर रखे, देखे कितनी चींटी आ रही है, आपको दिखा दूं बैक कैमरे से। देखो देखे मम्मी कितनी चींटी हो रही है, क्या करूं इनका। आज तो ये रसोई में भी आ गई इतनी सारी। तेल भी डाला होगा इसके पापा ने, तेल के छींट लग रहे। तेल कह रहे थे ये तो सरसों का तेल डाल दे, वो ही डाल लूं। देख चीटी चीटी कितनी हो रही, ये देखो कितना ज्यादा चीटी 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 चीटी। और मम्मी तो चली गई थी सुबह उधर, अब दूसरी मम्मी को भी लेकर चल दिए हैं सेवा पे। वो कह रहे जब मैं सेवा करूंगा एक हफ्ते उधर ही रहेगी मम्मी। मैं कहा चलो लेते जाओ, सही है। सुबह सुबह बढ़ने थे पनीर के पराठे, में मिस हो गए। अरे पकौड़े बनाए होंगे, मैं भी मिस हो गए। पनीर ही खाओ तुम, और भी कुछ खाओ। तो उधर ही जा रही मम्मी। और यहाँ बस फिर लगी हूँ मैं काम पे, किचन का काम मैंने बताया था, जैसा गुड्डू ने जूस ये शेक बनाया था तो ऐसे ही पड़ा था। और मैंने वीडियो एडिट करी थी, उसके बाद काम भी खाना भी नहीं बना था अभी तक। तो पहले सबसे पहले करूँगी ये बर्तन साफ। बर्तन साफ करने से भी पहले मैं करूँगी टोकरा खाली, क्योंकि बर्तन उसी में ही रखने, सुबह का पूरा भरा रहता है ये टोकरा, इसको रैक में लगा दूँगी। और फिर जो बर्तन वगैरह पड़े हैं उनको रख दूंगी साथ साथ ही करके, वरना तो ये गिलास का टूटने का डर रहता है, कभी टूट जाए। और हो भी जाते हैं कुछ भी काम करें, और बच्चे क्या कोई भी अगर कुछ भी काम करता है तो पूरी किचन भर देते हैं। मैं तो साथ साथ जैसा धोती रहती हूँ बर्तनों को, या इकट्ठे करती रहती हूँ किचन में डालती, इसमें सिंक में डालती रहती हूँ। लेकिन ये सब तो बस कुछ भी बनाएंगे तो ऐसे ही फैला देते हैं, बस ये है कि बना के दे देते हैं। चलो ये भी बहुत है कि बना के दे देते हैं, कोई बात नहीं। समेटना तो मुझे तब भी है जब मैं करती हूँ, और इनके करने के बाद भी कम से कम बना तो लेते हैं। और आज गुड्डू ने जो बनाना शेक बनाया है बहुत ही टेस्टी बनाया, आप भी इसकी जो रेसिपी है एक बार ज़रूर ट्राई करना, उससे बहुत अच्छा देखने में अगर अच्छा लगे कोई भी चीज़ भले ही खाने में कैसी हो, लेकिन देखने से उसका और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है, अच्छा लगता है। लेकिन सच में ही जो मिल ये था बनाना से कि और भी ज़्यादा टेस्टी था। और अगर आप चाहे तो बर्फ़ डाल लें, बर्फ़ डाल के इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो यहाँ देखिए जी मैं किचन में लग रही हूँ, और मैंने पहले किचन की क्लीनिंग कर दी बिल्कुल अच्छे से, सारे बर्तन वगैरह इकट्ठे करके अब इनको मांज दूंगी। यहाँ इसके पापा भी लगे हुए हैं, कुछ बोल रहे हैं पता नहीं क्या, मैं उनके साथ बातों में भी लग रही हूँ और काम भी कर रही हूँ। और इधर मैंने जैसा बताया था मशीन भी मेरी ऐसी पड़ी थी, पानी तो निकाल दिया था साथ साथ ही, लेकिन धुली नहीं थी, तो ये कहने लगे लाओ मुझे धो, मैं धो दूंगा। और यहाँ पे गुड्डू को इन्होंने बोल दिया कि मैं वाइप इसमें पानी डाल रहा हूँ, तू यहाँ पे वाइपर मार दे वरना पैर पैर हो जाएंगे। तो जी खैर बस आज की वीडियो इतनी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।